जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। रंग बिरंगी पगड़ियां, मिट्टी बोली, सुरीले गीत और मर्यादित रीत, यही तो राजस्थान की पहचान है। प्रकृति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अन्न उत्पादन हो या फिर राष्ट्र रक्षा की चुनौती, राजस्थान सदियों से इस देश को प्रेरणा देता रहा है। भाइयों और बहनों, बीते चार वर्षों से राजस्थान दोगुनी शक्ति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राजस्थान की सरकारें मिलकर के आप सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कार्य को जारी रखते हुए अभी कुछ समय पहले मुझे यहां राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों के लिए करीब 2100 करोड़ से अधिक इसकी 13 योजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर मिला। उदयपुर, अजमेर, कोटा, धौलपुर, नागौर, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, सुजानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, माउंट आबू, बंदी और ब्यावर, इनसे जुड़े इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान के शहरों और कस्बों में बेहतर और स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े हैं। ट्रैफिक जाम से मुक्ति का समाधान हो या फिर सीवेज की बेहतर व्यवस्था हो, ये सारे प्रोजेक्ट इन सभी शहरों में जीवन को सुगम बनाने वाले हैं। साथियों, चार वर्ष पहले की स्थिति आप भूले नहीं होंगे और मैं राजस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा कि चार साल पहले की कौन सी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वसुंधरा जी को कारोबार संभालना पड़ा, पिछली सरकार राजस्थान में कैसे हाल छोड़ के गई थी, उन बातों को कभी भूलना मत। तब जाकर के पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा है। किस प्रकार राजस्थान में सिर्फ नेताओं के नाम पर पत्थर जड़ने की होड़ मची हुई थी। बाड़मेर में अब जो रिफाइनरी बन रही है उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। आज इस रिफाइनरी पर तेज गति से काम चल रहा है, यही सरकार का काम करने का तरीका है, जिसमें न चीजें अटकती है, न लटकती है, न भटकती है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है और वो है विकास, विकास और विकास। देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक सरल, स्वस्थ, सुरक्षित और सुगम बनाने का काम एक के बाद योजनाओं के द्वारा हम करते चले जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ आप सभी तक पहुंचा है, ये जानने और समझने का
और उसमें सुधार की अगर कोशिश भी लगातार जारी है, यह हमारा प्रयास है। कुछ समय पहले आप में से ही कुछ लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया है।